हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, लोगों की शिकायत रहती है कि उनका मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है, और ग्रोथ यदि करता भी है तो उसकी जो पत्तियों का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा सा रह जाता है और वो चमकदार भी नहीं रहती। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि क्यों आपका मनी प्लांट ख़राब हो जाता है या ग्रोथ नहीं करता है और उसकी पत्तियों का साइज़ भी छोटा रह जाता है। तो हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे कि मनी प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो आइए इन बातों पर चर्चा करते हैं। आप ये मनी प्लांट देख रहे हैं, कितना बूशी और घना मनी प्लांट है, और इसकी आप लीफ का साइज़ भी देखिए। आप इसी प्लांट की ये दूसरी लीफ जो है उससे इसको कंपैरिजन करिए। ये छोटी लीफ है और इसका साइज़ देखिए। तो ये लीफ का साइज़ यदि हम ठीक तरह से केयर करते हैं तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किन बातों का ध्यान रखें यदि आप मनी प्लांट घर में लगा रहे हैं। पहली बात तो कि आप मनी प्लांट लगाते हैं तो उसकी आप एक जो जगह है वो आप निश्चित करिए कि आप उसी स्थान पर उसको रखें, एक जगह सेट होने दें। बार बार आप यदि उसका प्लेस चेंज करते हैं तो प्लांट शॉप में जाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। दूसरी बात कि यदि आप नर्सरी से इसको लेके आते हैं तो नर्सरी से यदि पॉट में लाए हैं तो रिपॉट भी आप कम से कम 10 से 12 दिन तक उसको रिपोर्ट ना करें, उसे यूं ही उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने दें। और यदि पॉली बैग में हैं तो पॉली बैग में से भी आप किसी पॉट में नहीं लगाएं जब तक कि 8 से 10 दिन प्लांट पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाता है। होता क्या है कि जब हम किसी दूसरे एटमॉस्फेयर से चेंज एटमॉस्फेयर में प्लांट को लाते हैं तो वो शॉक में चला जाता है और उसकी ग्रोथ थोड़े दिन के लिए रुक जाती है। इसलिए थोड़ा सा उसको एडजस्ट होने दीजिए, उसके बाद अब मनी प्लांट को अपने हिसाब से लगा लीजिए। दूसरी बात कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें आप। कभी कभी क्या होता है कि हम इसको 4 से 5 दिन के लिए यदि अंदर रखते हैं तो एक दिन इसे धूप दिखाने के हिसाब से बाहर धूप में रख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप। उसको ब्राइट लाइट में रख दें और उसको, या तो ये आपके ऊपर है कि आप उस पर सुबह की धूप पड़ रही है हल्की या शाम की हल्की धूप पड़ रही है या फिर ब्राइट लाइट में है, लेकिन ऐसा ना करें कि एकदम से इनडोर से ला के आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दें। इससे आपका प्लांट बिल्कुल से ख़राब हो जाएगा। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, ये यहाँ पर है और इसमें जाते समय की धूप पड़ती है। आइए मैं आपको एक प्लांट और बताती हूँ जिस पर सुबह की धूप पड़ती है। ये सारे आउटडोर रखे हुए प्लांट हैं मेरे। ये प्लांट आप देख पा रहे होंगे, इस पर सुबह की धूप पड़ रही है। ये छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसकी लीफ का साइज़ भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ये मेरा इंडोर प्लांट लगा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस पर ब्राइट लाइट आ रही है, एकदम से अंधेरे में नहीं लगा हुआ है, तो इसको आप अंधेरे में बिल्कुल भी ना लगाएं और इस पर ब्राइट लाइट पड़ने दें। और जिस पोजीशन में, क्योंकि इतना बड़ा मनी प्लांट है, मैं इसको बार बार इसकी जो प्लेस है वो चेंज भी नहीं कर सकती हूँ, तो उसको आप ना करें तो अच्छा है। अगली बात कि यदि आप प्लांट को पानी में लगाए हुए हैं, किसी कांच की बोतल में लगाए हुए हैं, जार में लगाए हुए हैं, तो उस पानी को आप हर एक वीक में ज़रूर चेंज करें। क्या होता है, नहीं तो उनकी जो ये एरियल जो हमारी रूट्स होती हैं ये गलने लगती हैं और प्लांट्स ख़राब हो जाता है। तो आप उस पानी को चेंज ज़रूर करें। और यदि आपने मिट्टी में लगाया हुआ है इसके लिए, तो मिट्टी में भी आप ध्यान रखें कि उसमें वाटर ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। आप उसकी मिट्टी को देखकर ही, मिट्टी नम बनी रहनी चाहिए, उस हिसाब से पानी डालें फ्रेंड्स। और इसमें प्रॉपर तरीके से वाटरिंग करें, ख़ास तौर पे स्प्रे के द्वारा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि पत्तियों पर धूल जमा नहीं होती और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। आप ये प्लांट देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं किसी भी तरह का इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र डाल सकूँ। तो आप कोशिश करिए, यदि आपका प्लांट भी इस तरह का है तो आप उस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना भी बताया है। इसमें आप अनियन पील का, बनाना पील का फर्टिलाइज़र आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मनी प्लांट के संबंध में ये कुछ ज़रूरी बातें थी। इसका प्रोपगेशन भी आसानी से हो जाता है, आप वाटर में या सॉइल में अच्छी तरह से लगा सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे फिर उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसलिए हमें बातें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती करते हैं और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ जानकारी मनी प्लांट के बारे में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।